बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, मैं आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। हमारा बाजाबता प्रोग्राम 20 अप्रैल से शुरू होगा। ये जस्ट ट्रायल के लिए हमने एक अरेंजमेंट किया है। सो लेट अस नो वेदर यू आर कंफर्टेबल विद दिस, वेदर इट सूट्स यू। ये सारी चीजें आपसे हम लेंगे इनपुट्स और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। देयर आर टू ऑप्शंस। नंबर वन, वी कैन कंटिन्यू विद दिस सिस्टम, दैट इज यू ऑल कैन ज्वाइन जूम एंड देयर विल बी लाइव टेलीकास्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू, ओके, आई कैन रिकॉर्ड द लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड एंड I can upload this lectures and you can access through YouTube or WhatsApp. Okay. In the second option, you can see my videos at your convenient time. पहला ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्ट जूम के साथ जुड़ जाएं और लाइव लेक्चर सुने। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं, उसके बाद आप उसे अपने घर में अपने कन्वीनियंट टाइम पर सुने। ये आप मुझे फीडबैक देंगे तो उस हिसाब से हम 20 तारीख से प्रोग्राम बनाएंगे। डियर टीचर्स, इस शॉर्ट क्रैश कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। नंबर वन, आपके नॉलेज में इजाफा करें। एक अच्छे टीचर के लिए जरूरी है कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट करे। दुनिया में क्या हो रहा है उसको वो जाने। एजुकेशन क्षेत्र के मैदान में, शिक्षा के मैदान में क्या हो रहा है उसको वो जाने। ओके, ही और शी शुड अपडेट हर नॉलेज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन प्रैक्टिसेस, पेडागॉजिकल एक्सपीरियंसेस, ऑल दीज थिंग्स शी और ही मस्ट नो। Because education is not a dynamic, it's not a kind of constant or a static, okay? It is a dynamic, it is not a static. क्या आपने एक चीज सीख ली थी बीएड में, बीए में, बीएससी में और उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि टीचर के पास एक ओल्ड डायरी होती है, जब उसने ज्वाइन किया था से अराउंड 10-15 ईयर्स एगो, उसने नोट्स बनाए और उसी नोट्स को वो कंटिन्यू कर रही है। ओके, 10-15 सालों से वही काम चल रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नंबर वन, नॉलेज में नंबर एक चीज ये है कि एजुकेशन टीचिंग इज नॉट अ स्टैटिक सब्जेक्ट, इट इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। आपको हर दिन एक नई चीज सीखना है। बच्चे नए अंदाज से सीखते हैं। पिछली जनरेशन के बच्चों का सीखने का स्टाइल अलग था, आज के बच्चों का सीखने का लर्निंग स्टाइल टोटली अलग है। तो ये नॉलेज के डोमेन में आएगा, अपने नॉलेज को आप इम्प्रूव करें। नॉलेज के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है वो स्किल की होती है। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज आपने एनॉर्मस गैदर कर लिया, बट यू आर अनएबल टू प्रैक्टिस दैट नॉलेज, यू आर अनएबल टू इम्प्लीमेंट दैट। ओके, सो उससे कोई फायदा नहीं। तो नॉलेज को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सो रेगुलर प्रैक्टिस आपको स्किल देती है, उसका नाम है स्किल। तो आपके पास स्किल भी आनी है। बास बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, वेरी वंडरफुल टीचर्स, ओके, दे हैव वेरी गुड नॉलेज, ह्यूज नॉलेज, दे रीड लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, बट क्लासरूम में जाते हैं तो वो या तो नर्वस हो जाते हैं या फिर उनका जो रिलेशनशिप होता है बच्चों के साथ वो बड़ा पुअर काइंड का होता है। कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कोई लर्निंग नहीं होती है। तो वो इसलिए होता है कि टीचर ने नॉलेज तो ले लिया बट उसके पास स्किल नहीं। सो दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्किल। सो यू नीड टू हैव स्किल। अब देखिए, यहां हम स्किल को भी डेवलप करना चाह रहे हैं। स्किल में जो एक चीज को हम बहुत ज्यादा महत्व और फोकस और बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं वो ये कि हमारी बहुत सारी टीचर्स, दे कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दे कांट स्पीक इंग्लिश विथ
proper grammar, proper pronunciation. So during this 15 days, ये हमारी regular practice है कि हम आपकी spoken English को improve करें. इसके लिए हम assignment देंगे, इसके लिए बहुत सारे काम करेंगे. So number two is skill. Number three, आपके पास knowledge है, skill है, ये दो हैं. और एक तीसरी चीज अगर नहीं है तो यू आर ए बैड टीचर. ओके, और वो तीसरी चीज है योर एटीट्यूड. योर एटीट्यूड मैटर्स मोर. आपने नॉलेज बहुत अच्छा जमा कर लिया, आपके पास स्किल भी है कि आप कैसे पढ़ाएं, टेक्निक आप जानते हैं, आईसीटी की टेक्निक जानते हैं आप, आपको बच्चों को एंगेज करने की टेक्निक जानते हैं, आप बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग कैसी लानी है वो भी जानते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड बराबर नहीं. आप बच्चों को देखते हैं तो आप स्माइल नहीं करते, आप क्लासरूम में जाते हैं तो ग्रीट नहीं करते हैं. तो इससे आपका एटीट्यूड जाहिर होता है, इससे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो जाहिर होती है. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पुअर है, आपका एटीट्यूड पुअर है, तो ये दोनों चीजें चाहे कितने ही स्ट्रांग हो जाए वो काम नहीं करते. So we will discuss about even attitude, how to communicate in a better way, how to build relationship, whether this education process and learning teaching process is an academic process or is it a social process. Okay, these things we will be discussing. So every day we will be discussing some new concepts. Okay, so these concepts will definitely increase your knowledge and will help in building good skills and improving your एटीट्यूड. देन हम इस पूरे प्रोग्राम में जो सिस्टम अडॉप्ट करेंगे वो डिलीवरी सिस्टम के ताल्लुक से मैं आपको बता रहा हूं. हमने पूरे टीचर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक कैटेगरी वो है जो प्राइमरी स्कूल को डील करते हैं, ठीक है, ग्रेड 1 to 8 पर्टिकुलरली, बट वी आर फोकसिंग मोर फ्रॉम ग्रेड 1 to 5, बट this will also help them to implement the system and whatever we would be discussing from grade 1 to grade 8, right? And the second category is pre-primary. Pre-primary includes nursery, LKG and UKG. This is very important domain. Bahut ahem hissa hai ye education ka. So pre-primary ke teachers totally alag hongi. उनके स्किल्स अलग चाहिए, उनका नॉलेज अलग चाहिए, उनके पेडागोजिकल एक्सपीरियंस अलग होना चाहिए, उनका मेथड अलग होना चाहिए. तो हम उस पर अलग बात करेंगे, प्राइमरी स्कूल्स के लिए अलग बात करेंगे. इसलिए हमने दो अलग अलग ग्रुप कर दिए हैं. बाज जो लेक्चर्स होंगे वो कॉमन होंगे, बाज वीडियोस कॉमन होंगे और बाज वीडियोस अलग अलग होंगे. तो इसका आप ध्यान रखें. वी हैव कैटेगराइज्ड इन टू सेक्शंस. तो इस पूरे जो उसका जो हमारे पूरा 15 दिन की ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का सिस्टम ये है कि आपको हम बिफोर 20th, दैट मीन्स ऑन 19th, आई वुड बी सेंडिंग यू द एंटायर सिलेबस. ओके, हाउ वी वुड बी प्रोसीडिंग एंड एवरी डे व्हाट वी वुड बी डिस्कसिंग. क्योंकि आप टीचर हैं, आपको प्लान करना जरूरी है. जब हम टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड आल्सो प्लान वेरी वेल. सो अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग, माइन्यूट डिटेल्स वी हैव वर्कड आउट, द टीम इज वर्किंग. आपके पूरे इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल टीम इज वर्किंग, एकेडमिक टीम इज वर्किंग. अल्हम्दुलिल्लाह, दे हैव डिजाइंड ए वंडरफुल सिलेबस विद ऑल द रिक्वायर्ड कंटेंट एंड मटेरियल. सो द एंटायर कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स. ओके, वी आर चंक डाउन. नंबर 1 विल बी वीडियो, वीडियोस बाय एक्सपर्ट्स. दिस वीडियोस विल बी ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे का वीडियो होगा. आप इस वीडियो को सुने, ये वीडियो उस दिन के पर्टिकुलर लेसन पर होगा. देन आफ्टर वीडियो, वॉचिंग वीडियो, प्लीज रीड द रेलेवेंट कंटेंट. ओके, दिस रेलेवेंट कंटेंट इज प्रोवाइडेड इन द पीडीएफ फाइल्स, इन द वर्ड फाइल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आप इसको पढ़ लें. तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया. तीसरा,
इसको पढ़ने के बाद कुछ और हम सपोर्टिव रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको भेजेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं ऐसी बैठा और उसको देखा और आपको भेज दिया, बल्कि इस पर रिसर्च हुई है, इसको सेलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत की गई है। ये लिंक आप जरूर देखें तो आपको अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, आपने वीडियो देखा, आपने कंटेंट पढ़ा, आपने एक्स्ट्रा वीडियो भी देख लिया, उसके बाद आपको हम डेली असाइनमेंट देंगे। ये बहुत मेहनत का काम है और आप इसको एंजॉय करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपको खामखा की तकलीफ दें। ओके, वी वॉन्ट टू इम्प्रूव योर स्किल्स। ओके, बाई वॉचिंग द वीडियोज, बाई रीडिंग द कंटेंट, यू आर इम्प्रूविंग योर नॉलेज, बट वी नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स। सो हाउ स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड? सो विद द हेल्प ऑफ दीज असाइनमेंट्स यू विल बी इम्प्रूविंग योर स्किल्स। ओके, एंड दीज असाइनमेंट्स विल बी वेरी सिंपल असाइनमेंट। ओके, आप अपने घर में एक क्लासरूम टाइप क्रिएट कीजिए। बच्चे नहीं है तो आप अज्यूम कीजिए कि बच्चे सामने हैं, आपको हम टोटली गाइड करेंगे। तो एक असाइनमेंट होगा रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर लेसन, उस दिन के लेसन से रिलेटेड असाइनमेंट विल बी देयर। ओके, मेनी असाइनमेंट विल बी रिटन एंड मेनी मोर असाइनमेंट विल बी जस्ट वर्बल। ओके, आप रिकॉर्ड कीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप एंगेज हो जाएंगे, रमजान भी आएगा तो आप कहेंगे कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप उसको जस्ट ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करें व्हाट्सएप में और उसको भेज दें तुरंत। ओके, डोंट टेक मच स्ट्रेस। ओके, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में रिकॉर्ड करके भेज दें। वी आर हियर टू हेल्प यू, राइट? सो पूरा जो हमारा 15 दिन का कोर्स है ना, वो आपस में हंसते खेलते हमको सीखना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रोसिक्यूट करूं कि क्या आप इतने दिन से हैं, 5 साल से टीचर हैं, 15 साल से टीचर हैं, यू डोंट नो दिस, यू व्हाट यू आर डूइंग, सिंपली गोइंग स्कूल कमिंग बैक। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, हर आदमी सीखता है, सीखना चाहिए। मैं भी इस 15 दिनों में आपसे बहुत सीखूंगा। ओके, सो लेट अस इंटरेक्ट, और आप मुझे कुछ अपनी बुद्धि दें, मैं जो कुछ जानता हूं वो आपको दूंगा। आखिरी जो सेगमेंट है वो आपका असेसमेंट है। असेसमेंट करके आपके मैनेजमेंट को देना नहीं है कि साहब इस टीचर ने ऐसा किया, इसको फौरी निकाल दीजिए, ये करिए वैसा करिए। नो, असेसमेंट इसलिए है कि आपके क्या गैप्स हैं। हर आदमी की एक सलाहियत होती है, हर आदमी बड़ा शानदार है। जरूरत है कि उसके उस टैलेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें और उसको ग्रूम करें। तो हमारा 15 दिन में ये काम है कि हम आपके जो गैप्स हैं, वीकनेसेस हैं, उसको पॉजिटिवनेस में तब्दील करें, उसको बदलें और आपको एक शानदार टीचर बनाए, एक शानदार मेंटर बनाए। आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उस स्कूल के आप हीरो बन जाएं। इस तरह का हमारा ये 15 दिन का ऑब्जेक्टिव है। तो आपका असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद आपकी जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए हम हेल्प करेंगे। ओके, ये पॉजिटिवनेस आप दिमाग में रखिए और इस हिसाब से आप इस कोर्स में हिस्सा लें, हमारे साथ चलें। आखिरी बात, जो मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूं उसमें रेगुलर बेसिस पे जो असाइनमेंट है वो स्पोकन इंग्लिश का है। इसके लिए आपको मेहनत करनी है। ओके, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है, कुछ टीचरों से भी मेरा इंटरेक्शन शुरू हो चुका है, सो दे स्पीक वंडरफुल इंग्लिश। ओके, तो आप हर दिन जो स्पोकन इंग्लिश का असाइनमेंट होगा उसको करें, राइट? अभी हमने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था प्री लॉन्च असाइनमेंट, कि आप अपना इंट्रोडक्शन पेश करें। बाज हमारे दोस्तों ने, बहनों ने उसको लिख कर भेजा है ना, मुझे लिख कर नहीं चाहिए, आप बोले रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। आप जैसी अंग्रेजी बोलते हैं बोलिए, आप बोल सकते हैं अच्छी अंग्रेजी। आपके अंदर हेजिटेशन है, आप समझते हैं कि मैं नहीं बोल सकती, तो ये हेजिटेशन, ये अंदर का जो फियर है, उस फियर को निकालने के लिए हम 15 दिन काम करेंगे। 15 दिन बाद आप अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे कि वो
फिर आपको देखकर दूसरे बच्चों को भी स्कूल में एडमिट करवाएंगे। आप जानते हैं आजकल हमारे पास जो माहौल है वो ये कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है और वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है तो ये तसव्वुर है, ये समझा जाता है कि साहब स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही। और आप अगर 6 महीने में बच्चे को अंग्रेजी बोलने के काबिल बना देंगे तो आपका स्कूल चमक जाएगा। ओके, इफ यू मेक योर चिल्ड्रन टू स्पीक इंग्लिश विद इन 6 months योर स्कूल विल बी ऑन द टॉप ऑफ द टाउन। ओके, सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। सो फॉर दिस every day there will be assignment of spoken english which will be normally to record, audio recording has to be done and please send audio files to us, we will just correct it and we will guide it where you went wrong and how to be corrected and how to improve your spoken english. Okay, so this is a general introduction of our 15 days program, hope you will enjoy. Please aap कोरोना के इस लॉकडाउन में आप अपने दिमाग से उसका बोझ निकालिए, लेकिन आप बिल्कुल यू प्लीज प्रैक्टिस व्हाटएवर प्रिकॉशनरी मेजर्स आर रिक्वायर्ड बट डोंट बी इन ए स्ट्रेस, कम आउट ऑफ द स्ट्रेस एंड दिस पीरियड दिस लॉकडाउन विल बी ओवर वेरी सून एंड यू विल बी एन एम्पावर्ड टीचर आफ्टर दिस लॉकडाउन। थैंक यू सो मच, आई वेलकम यू वंस अगेन for this crash course of 15 days.